गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के इन योर माइंडोलॉज में। इस वीडियो में आपको बताएंगे 26 फरवरी 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? इसका आंसर है नई दिल्ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को एक औपचारिक समारोह के दौरान राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों को संबोधित भी किया। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय स्मारक के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अपना विजन प्रस्तुत किया था। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बने इस युद्ध स्मारक की लागत 176 करोड़ रुपये आई है। यह रिकॉर्ड एक साल में पूरा बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर है गोरखपुर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारम्भ किया। आपको बता दें कि लघु एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए यह योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत चुने गए किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका आंसर है ग्रीन बुक। आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित डॉल्बी थिएटर में सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा की गई। इस पुरस्कार समारोह में भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला। आपको बता दें कि बेस्ट फिल्म कैटेगरी में 8 फिल्मों को आखिरी सूची में रखा गया था। इसमें ब्लैक पैंथर, ब्लैक लैंस, बोहेमिया रैप्सोडी, द फेवरेट, ग्रीन बुक, रोमा, ए स्टार इज बोर्न, वॉइस का नाम शामिल था। सभी फिल्मों को पीछे पछाड़ते हुए ग्रीन बुक ने बेस्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की? इसका आंसर है 5%। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इसमें इनपुट कर पर लाभ खत्म करने का फैसला भी किया गया, साथ ही किफ़ायती दरों के मकानों पर भी जीएसटी दर को 8% से घटाकर 1% करने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परिषद ने इसी के साथ किफ़ायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आपको बता दें कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया? इसका आंसर है गुजरात। आपको बता दें कि गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य जल संचय को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मानसून से पहले जल भंडारण स्थलों का गहरा किया जाएगा जिससे वे अधिक मात्रा में जल को भंडारित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में किस स्थान पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया? इसका आंसर है लखनऊ।
आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में लखनऊ में अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति जी ने विश्वास व्यक्त किया है कि अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल राज्य तथा क्षेत्र के लोगों को उचित मूल्य पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस फोर्स के गठन की योजना तैयार की? इसका आंसर है अमेरिका। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री स्पेस फोर्स के निर्माण के लिए दिशा निर्देश पर हस्ताक्षर किए। इस दिशा निर्देशों के द्वारा पेंटागन को स्पेस फोर्स की स्थापना के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह अमेरिकी सेना का 6वां अंग होगा। अमेरिकी सेना के अंग हैं थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन तथा कोस्ट गार्ड व अब मिलिट्री स्पेस फोर्सेस भी होगा। आपको बता दें कि स्पेस फोर्स का उद्देश्य अंतरिक्ष में अमेरिकी प्रभुत्व को कायम करना व सुरक्षित रखना है, जिसके तहत सैनिकों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा। यह सैन्य बल राष्ट्रीय सुरक्षा उपग्रहों की सुरक्षा व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संचार वाहनों की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मिलिट्री स्पेस फोर्स को वास्तविक में लाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका आंसर है थाईलैंड। आपको बता दें कि थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में अपने ही प्रकार की सबसे बड़ी गतिविधि राष्ट्रीय कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। इसमें 29 राष्ट्र भागीदार या फिर प्रक्षेपण के रूप में भाग लेते हैं। दो देशों के अलावा अभ्यास में भाग लेने वाले 7 देशों में भारत, सिंगापुर, जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया व दक्षिण कोरिया शामिल थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 14 सदस्यीय दल के साथ सैन्य प्रशिक्षण में अभ्यास में भाग लिया। भारत ने चीन के साथ साथ 2016 में पहली बार ऑब्जर्वर प्लस श्रेणी में इस अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि प्रसाद और कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक अंतर सरकारी बैठक की मेजबानी की जा रही है। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीके इन योर माइंड ऑलवेज यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।